योर चैनल इज टर्मिनेटेड, एकदम चैनल ब्लैंक। सबसे पहले हमने यूट्यूब चैनल को लॉग इन किया तो वो लॉग इन नहीं हो रहा था। हमने ईमेल आईडी को एक्सेस करने का कोशिश किया, ईमेल आईडी एक्सेस नहीं हो रहा। पर सब्सक्राइबर की वैल्यू होती है, मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की वो एक रात मेरे लिए 1000 दिन के बराबर थी। और हम केवल कर सकते थे तो वो था इंतजार, इंतजार और इंतजार। 24 अगस्त 2023 को 7:14 पे मैं अपने ऑफिस से निकला। जनरली मैं 7 बजे निकलता हूँ, 7:15 के आसपास मैं ऑफिस से निकला। मैं लिफ्ट में जा ही रहा था नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, तो अचानक क्या हुआ, मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि आपका टू फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन होता है वो एक तरह से ऑफ हो गया आपकी मेल आईडी का। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं इसको समझ ही पा रहा था कि भाई ये हुआ क्या। और मैं नीचे गया, जैसे जैसे नीचे गया मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि तुरंत मुझे एक और मैसेज आया कि आपका जो सेकंड ईमेल आईडी जो होता है ना रिकवरी वाला, वो भी आपका चेंज हो गया। मुझे लगा यार ये क्या हुआ। तभी क्या हुआ कि अचानक से आपका जो यूट्यूब चैनल है वो लॉग आउट हो गया। जब लॉग आउट हुआ तो मैं एकदम समझा कि यार मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है। पर मुझे लगा क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना उसमें 2 शिफ्ट चलती हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट चलती है जिसमें हमारा सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह ये वे रूटीन बिजनेस हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, वीडियोज हो गई, सब हम देखते हैं। और जो सेकंड शिफ्ट है ना, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो स्टेनलेस स्टील मोडुलर किचन का है और हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो शाम की शिफ्ट भी काम करती है। उसका टाइम लगभग होता है 8 बजे से सुबह 4:30-5 बजे तक का। तो मुझे लगा शायद जो सेकंड शिफ्ट के लोग आएंगे वो ये फर्स्ट शिफ्ट वाले ने उसको लॉग आउट किया होगा, सेकंड शिफ्ट वाले उसको री लॉग इन करेंगे। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। इतने में मेरे ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, मेरे साथी थे टीम के लोग, उनका मुझे कॉल आने लग गया कि सर क्या आपने लॉग आउट किया है, क्या सर आपने लॉग आउट किया है। उनका यार लॉग आउट तो मैंने नहीं किया। मैंने साइड में गाड़ी में मैं रुका, मैंने एक बार देखा अच्छे से, अपनी टीम को मैंने कॉल किया। मैंने कहा एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है लॉग इन नहीं हो रहा। यही बात मेरे को और दूसरे लोगों ने बोला। तो मुझे लगा भाई लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे साथ जरूर है। तो 7:15 पे जब ये सब कुछ लॉग आउट हो गया, कॉल हो गई, मैंने अपने ऑफिस की टीम को तुरंत कॉल किया। मैंने कहा भाई फटाफट से पहुंचो, मुझे लगता है कोई गड़बड़ हुई है। सारी की सारी टीम जो भी निकल गई थी अपने ऑफिस से घर जाने के लिए, वो तुरंत जो भी जहाँ तक भी पहुंचा था थोड़ी बहुत दूर तक, वो सब वापस आए। वापस आने के बाद हमने एक इमरजेंसी मीटिंग की। इमरजेंसी मीटिंग हमने करके ये देखा कि भाई हमारे साथ हुआ क्या है। सबसे पहले हमने यूट्यूब चैनल को लॉग इन किया तो वो लॉग इन नहीं हो रहा था। हमने ईमेल आईडी को एक्सेस करने का कोशिश किया, ईमेल आईडी एक्सेस नहीं हो रहा, कोई रिकवरी नहीं आ रही। सारे फ़ोन जितने गैजेट्स हैं, लगभग 12 से 14 लैपटॉप हमारे पास हैं जिसमें हमारे वो ईमेल आईडी लॉगिन रहते हैं, और करीब करीब 10 मोबाइल फ़ोन हैं एंड्रॉइड और iOS के जिसमें वो सारे आईडीज लॉगिन होते हैं। सब में देखा, सब में लॉग आउट हो गया। टीम ने सारी चीज़ को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, देख रही थी कि इसे हुआ क्या। तभी 7:40 में हमारी टीम का एक बंदा बोला कि सर हमारे चैनल का नाम चेंज हो गया। थोड़ी देर में देखा भाई उसका जो चैनल प्रोफाइल लगी होती है डीपी वो चेंज हो गई, चैनल का जो चैनल आर्ट होता है वो चेंज हो गया। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ ना, हम समझ गए भाई हमारा चैनल हाईजैक हो गया। अब जैसे ही हाईजैक हुआ तो हम सब एकदम पैनिक में आ गए। मैंने कहा भाई देखो घबराने की बात नहीं है, सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है, और उसके बाद हम ये आईडीज जो है ना हमारी और ये जो हमारे मोबाइल नंबर है ये कहाँ कहाँ पर हैं, रिकवरी आईडी कहाँ कहाँ पर है, सबसे पहले ये सर्च करो। हमने देखा कि ये आईडीज जो है ना वो हमारे बहुत सारे बैंक्स में, हमारे डेबिट कार्ड में, हमारे क्रेडिट कार्ड में, हमारे और भी कई तरीके के कंपनी के अकाउंट हैं, वहाँ पर सब जगह आईडी डली हुई। हमने सबसे पहले क्या किया कि सारे को लॉगिन करना शुरू किया और एक एक करके सब जगह वेरिफिकेशन कोड, ईमेल आईडी और साथ में 2FA वो चेंज किया और रिकवरी आईडी चेंज की, क्योंकि रिकवरी आईडी जो थी ना हमारी कॉमन थी, एक चैनल में रिकवरी आईडी है उसी से संबंधित रिकवरी आईडी सब में डली हुई थी। हमें लगा अगर एक चैनल हैक हो गया ना तो वो और कुछ भी गड़बड़ हमारे साथ कर सकता है, बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हो सकता है, बहुत बड़ा फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है। अब करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हमें समझना है कि ऐसा हुआ क्यों, और जिस व्यक्ति ने या जिस भी पर्सन ने वो ऐसा किया होगा कि वो लोग ऐसा करते क्यों, और ऐसा करने का उनको फ़ायदा क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं। साथ साथ अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, सबसे पहला स्टेप लेने के बाद आपको बाकी स्टेप्स पर कैसे फॉलो करना है। साथ साथ आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि लाइफ में आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए क्या सावधानियाँ बरती जानी चाहिए। तो हमारी टीम ने पूरा एक्सपीरियंस जो किया है वो सारा मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कोई भी चीज़ स्किप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुमूल्य बात रह जाए और आपके साथ जब समस्या आए तो आपको लगे कि यार पता नहीं क्या हो। जब हमें ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो हैक हो चुका है, आईडी हमारी चेंज हो चुकी है, उसका 2FA चेंज हो गया, उसकी रिकवरी आईडी चेंज हो गई, हम किसी तरह से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर किया। अब फाइनेंशियली सिक्योर में क्या, हमारे बैंक अकाउंट, हमारे डेबिट कार्ड, हमारे क्रेडिट कार्ड,
हमारे डीमैट अकाउंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय मैं शेयर मार्केट पर बहुत अधिक वीडियोस बना रहा हूं, तो हमने शेयर मार्केट की रिसर्च करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी सारे डीमैट अकाउंट खोलेंगे। उन सभी डीमैट अकाउंट को हमने, उनकी जो भी ईमेल आईडी है, उनका मोबाइल नंबर है, जो भी कुछ हम उसमें कर सकते थे वो हमने किया। तुरंत हमने बैंक को कॉल किया, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट को हमने ब्लॉक कराया। जब हमारी सारी आईडी ब्लॉक हो गई तो फाइनेंशियली हम लोग सिक्योर हो गए। अब फाइनेंशियली जब हम सिक्योर हो गए तो हमने अब ये डिसाइड किया कि भाई अब जो हमारे 7-8 साल की मेहनत है ना, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको कैसे रिकवर करना है, इस पर विचार करें। दोस्तों पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। आप एक चीज़ को रिकवर करने में ना पूरी ताकत लगा देंगे, उसके बदले हो सकता है कि आपको और कई गुना नुकसान हो जाए, क्योंकि उस ईमेल आईडी पर हमारी कंपनी की सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन, कंपनी का सारा डेटा और जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उसका डेटा और जितना भी हमारा बैकअप है ना पिछले लगभग 12 साल का, वो सब कुछ उसके ऊपर था। तो अब हमने सोचा कि अब हम क्या करें, हमने सारी चीज़ों को लॉक कर दिया, सिक्योर कर दिया, जिस अकाउंट को टर्मिनेट करना था वो एक तरह से ब्लॉक कर दिया, टर्मिनेट करवा दिया हमने। अब यहाँ पर शुरू होती है सही कार्रवाई। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर लेंगे ना तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले हमने एक 100 नंबर का PCR कॉल किया, क्योंकि दोस्तों PCR की जो कॉल है ना वो एक रिकॉर्डेड ऑथेंटिक प्रूफ होता है कि आपने इस कंप्लेंट को दर्ज कराया है। हो सकता है कि उस YouTube चैनल के माध्यम से आपके साथ कोई ऐसा क्राइम हो जाए जिसमें न केवल आपकी रेपुटेशन दाव पर लग जाए बल्कि आपको लीगल पचड़ों में भी पड़ना पड़ जाए। मतलब कुछ ऐसी बताऊंगा क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमने क्या किया, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अपने एक स्टाफ को भेजा और वहां पर एक एप्लीकेशन भेजा, साथ में एक पूरा कंप्लेन लेटर भेजा कि भाई ये बात हमारे साथ हुई है, हमारी ईमेल आईडी हैक हो गई, हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया और ये हमारे बैंक अकाउंट लिंक हैं, हमारे साथ कोई इल्लीगल एक्टिविटी ना हो जाए। जबकि देखो हमने सारे बैंक अकाउंट लॉक भी कर दिए, उसके बावजूद भी हमने पुलिस डिपार्टमेंट में एक रिटर्न कंप्लेंट दी। और जब ये सारी की सारी कंप्लेंट रिटर्न में हमने हमारे नियर बाय पुलिस स्टेशन में दे दी ना, तो वहाँ के SHO ने हमारे स्टाफ से बोला कि भाई साहब एक काम आप और कर लें, और वो काम क्या है, साइबर क्राइम सेल जो है ना दिल्ली पुलिस का, वहाँ पर जाके आप रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, ये कोई एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुआ। क्रिमिनल ऑफेंस से बचना भी बहुत जरूरी है ताकि उस चैनल के माध्यम से, उस ईमेल आईडी के माध्यम से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो जाए, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो जाए। तो हमने क्या किया कि साइबर क्राइम ब्रांच का जो सेल है ना, वहाँ पर हमने रिटर्न कंप्लेंट दी। और वो क्यों दी ये समझना बहुत जरूरी है। साइबर क्राइम में हमने इसलिए दिया कि भाई हमारा जो यूट्यूब चैनल ना उसमें 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। अब ऐसे में ना कोई भी हैकर जो है वो ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जिससे या तो कोई बंदा डीफेम हो जाए, या कई बार ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जैसे पोर्नोग्राफी कर देते हैं, या किसी टेररिज्म का कोई स्पेशल कोई एजेंडा है, कोई मैसेज है वो पहुंचा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना जो क्रिमिनल्स हैं वो करते हैं, साइबर क्राइम जो करते हैं। साथ साथ वो एक काम और करते हैं, कई बार क्या करते हैं वो डार्क वेब में इस यूट्यूब चैनल को जिसपे मिलियन सब्सक्राइबर, उसको बेच देते हैं बिटकॉइन के जरिए, डोजी के जरिए, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिसके जरिए उसको बेच देते हैं। और फिर वहाँ से शुरू हो जाती है एक्सट्रॉशन से संबंधित चीज़ें, रिकवरी से संबंधित चीज़ें, या कहीं ना कहीं आपको परेशान करने के लिए भी ऐसा करते हैं, फिर आपसे डिमांड करते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आज यूट्यूब चैनल की ना इतनी बड़ी पावर है कि जितने सब्सक्राइबर हैं, अगर ब्लैक मार्केट में इसका रेट देखा जाए ना तो 5 रुपये से 10 रुपये पर सब्सक्राइबर की वैल्यू होती है। मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की वसूली की जा सकती है उस बंदे के माध्यम से जो बंदा इसको हैक कर लेता है। मतलब वो हैकर इतना डिमांड भी कर सकता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में इस तरह की बहुत डिमांड है। जैसे आप देखेंगे बॉम्ब्स, हथियार, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ना, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ज़्यादातर इस तरह के चैनल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अभी ना बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके मन में एक प्रश्न होगा, यार यूट्यूब चैनल ही तो है, दोबारा बना लेंगे। आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक यूट्यूब चैनल बनाने में जो क्रिएटर होता है उसकी कितनी मेहनत लगती है। और ना केवल क्रिएटर, उसके पीछे जो बैठी हुई टीम है ना, जो डिजिटल पे काम कर रही है, कंटेंट पे काम कर रही है, पोस्टिंग पर काम कर रही है, कीवर्ड है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तब जाके एक यूट्यूब चैनल सक्सेस होता है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसमें 1.08 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उसमें 802 वीडियो, 802 वीडियो सुनने में बहुत आसान लगता है दोस्तों। अगर आप रोज़ाना एक वीडियो भी बनाते हैं ना, तब भी 2.25 से 2.5 साल में जाकर, जब आप 365 दिन लगातार वीडियो बनाते हैं, तो 2.5 साल में जाकर आपकी 802 वीडियो होती है। और कितने नंबर ऑफ आवर्स आप कैलकुलेट करें कि 802 को आप 10 मिनट की एवरेज से भी कैलकुलेट करेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने घंटे की इन्वेस्टमेंट, कितने घंटे की मेहनत लगी होती है। हम ये देख ही रहे थे, देखो आपके सामने आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई बंदा है आपकी बाइक लेके चोरी करके भाग रहा है, आपको दिख भी रहा है कि यार बाइक मेरी है, वो जो लेके जा रहा है वो भी है, और आप भाग के पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं पर आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि आप रोड के अपोजिट साइड हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा कि आपकी आंखों के सामने आपकी बाइक जा रही है। ऐसे ही हुआ कि हमारे यहाँ चैनल आर्ट चेंज हो गया, चैनल का थंबनेल चेंज हो गया, चैनल का एक तरह से नाम चेंज हो गया,
और धीरे धीरे करके हमारी सारी वीडियो डिलीट हो गई। तो उस दिन तो सबसे पहले हमने क्या काम किया कि सबसे पहले अपने आप को सिक्योर बनाया फाइनेंशियली और बाकी सारी चीज़ों से, ताकि कोई इलीगल एक्टिविटी हमारे प्रति ना हो सके, और होती भी है तो हम सेफ हों, कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट, हमारे डिपार्टमेंट्स हमें सपोर्ट करें। अब क्या, देखो चीज़ें तो आपने सिक्योर कर ली, पर जो आपकी सबसे बड़ी मेहनत है, जो सारा ओवर टाइम आपने करके काम किया, एक बहुत बड़ा एक सेटअप आपने क्रिएट किया, वो आपको वापस चाहिए, हर हाल में आपको वापस चाहिए। अब क्या है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति की सफलता में ना जितना बड़ा रोल उसका है, उससे कई गुना बड़ा रोल जो होता है ना उसकी टीम का होता है। और उस टीम में जब आपसे ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, तो वही पावरफुल लोग आपको बेहतर बनाते हैं, और वही पावरफुल लोगों की सहायता से आप बड़े लक्ष्यों को हासिल करते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे थे कि अब हमें क्या करना है। अब हमारी टीम एक साथ बैठी और हमारी टीम में कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव जो हैं वो एथिकल हैकर हैं। उन्होंने पर्सनल रिकमेंडेशन पर कि यार मेरे सर हैं और हमें ये चीज़ें रिकवर करनी है, आप तुरंत यहाँ पर आओ। एथिकल हैकर को हमने बुलाया, एक एक चीज़ को स्कैन किया कि भाई कोई ये डोमेस्टिक लेवल पे, छोटे मोटे लेवल पे कोई ऐसा तो नहीं कि ईमेल आईडी हैक कर लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारी ईमेल आईडी इंटरनेशनल हैकर ने की थी। हमने जब सब चीज़ें सेव कर ली ना, तो मैंने टीम को एक आश्वासन दिया कि आप टेंशन मत लो, हम फाइनेंशियली सिक्योर हैं, सो फिर दोबारा मेहनत करेंगे और सब काम करेंगे, रिकवर हो जाएगा। और सारी टीम अपने अपने घर गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आने से पहले मैं रात की घटना बताऊँ ना, वो एक रात मेरे लिए 1000 दिन के बराबर थी। एक एक पल मेरी घड़ी की टिक 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 मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि अब क्या हो रहा होगा। मैं बार बार अपने फ़ोन में चैनल को सर्च कर रहा था, देख रहा था, और मेरे क्लोज फ्रेंड्स भी, क्योंकि उनके भी कॉल आना शुरू हुआ, यार तुम्हारी वीडियो नहीं दिख रही है, यार तुम्हारा चैनल नहीं दिख रहा है। ऐसे समय में ना आपको ये पता लग जाता है कि कितने आपके वेलविशर हैं, कितने आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, कितने आपकी चिंता करते हैं, कितने आपसे कटते हैं, कितने आपको आपसे मतलब एक तरह से विरोध रखते हैं अपने मन में, आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाता है। लोगों के मैसेज आने लग गए तुरंत, जो हमारे टेलीकॉलर थे उनके पास लगातार कॉल आने लग गए। एक एक पल कैसे बीत रहा था इसके बारे में मैं आपको मतलब शब्दों के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लगभग सुबह के 3 बजे ना मेरी आँख लग गई, मैं 3 बजे तक लगातार जगता रहा, धीरे धीरे करके मेरी आँख लगी। एकदम जब मैं उठा तो मैंने देखा 8:10 पर मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि भाई तेरे चैनल पर ना कोई एक लाइव वीडियो चल रहा है और कोई QR कोड वहाँ पर दिखा रहे हैं और बिटकॉइन, डॉजी कॉइन और एक तरह से SpaceX की वीडियोस वहाँ दिखाई जा रही हैं, एलन मस्क की फोटो दिखा रहे हैं, प्लस साथ में एक रॉकेट उड़ता दिखा रहे हैं, कई US की वीडियो। और थोड़ी ही देर में एक मैसेज आता है, योर चैनल इज टर्मिनेटेड। एकदम चैनल ब्लैंक। अभी तक तो चैनल जिंदा मेरे सामने था, SpaceX उस पर लिखा हुआ था, थंबनेल चाहे किसी और का, पर था तो सही। वो देखते देखते जो बाइक आपकी लेके भाग रहा था वो आँख ओझल हो गई। अब मुझे लग रहा था कैसे भी 10 बजे फटाफट से मैं ऑफिस पहुंचूं, जबकि मेरे ऑफिस के लोगों का मुझे कॉल आ गया कि सर हम 9 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं, बैठकर पूरा काम करते हैं, आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा ठीक है मैं भी आता हूँ। जब मैं पहुंचा तो मुझसे पहले मेरी टीम के सारे डेडिकेटेड लोग वहाँ पहुंच चुके थे, और जो नाइट शिफ्ट के लोग थे जिनको सुबह 5 बजे निकल जाना था वो भी वहाँ रुके हुए थे। आँखें उनकी लाल हो रखी थी बिल्कुल, ऐसे जैसे कि कई रातों से सोए ना हों। मैंने कहा भाई ठीक है आप टेंशन मत लो, चाय बनाओ, पहले चाय पीते हैं सभी और रिलैक्स मूड से एक चीज़ को सोचते हैं और इसका समाधान करते हैं। क्योंकि हमारा चैनल 24 अगस्त को हैक हुआ था, तो 25 तारीख की सुबह, क्योंकि पहले प्रिकॉशन हमने जो ले ली थी सारी फाइनेंशियल, वो हमने ले ली। अब क्या हुआ कि हमने लगभग 10:30 पूरा रोड मैप तैयार करने के बाद ना स्टेप बाय स्टेप काम किया। हमने ट्विटर के माध्यम से यूट्यूब इंडिया और गूगल इंडिया, इनको हमने एक ट्वीट किया, और साथ साथ में हमने सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल किया। हमने एक वीडियो बनाया, एक शॉर्ट वीडियो बनाया कि भाई मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी बोल रहा हूँ और मेरा ये यूट्यूब चैनल है, और ये यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो गया है, पहले हैक हुआ, हैक होने के बाद और सब कुछ चेंज हुआ, वीडियो डिलीट हुए और ये टर्मिनेट हो गया। मेरा मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, मेरे वेलविशर से एक रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर वहाँ रीट्वीट करें। इसका प्रभाव ये होता है कि यूट्यूब को ये पता लगता है कि सच में जिस व्यक्ति का ये ट्वीट आया है इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और जब वो रिप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी ये महसूस होता है कि हाँ यार सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, और ये जो बंदा है ये ऑथेंटिक बंदा है। ये एक बहुत बेसिक स्टेप होता है जिससे YouTube वेरीफाई कर लेता है कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद YouTube की टीम का DM हमारे पास आया, डायरेक्ट मैसेज आया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, वी कम टू नो अबाउट योर चैनल एंड वी लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ योर जीमेल आईडी फास्ट। वो ये नहीं कहते कि YouTube पहले आ जाएगा, क्योंकि YouTube जो है वो जीमेल आईडी से बना हुआ है, तो पहली रिकवरी जो होती है वो जीमेल आईडी की होती है, चैनल की रिकवरी बाद में होगी, है ना, क्योंकि जीमेल आईडी से आपने उसको बनाया। तो जीमेल आईडी रिकवर करने के लिए ना जो ईमेल आईडी हमने उनको दी थी कि भाई हम इस ईमेल आईडी से आपसे कनेक्ट होंगे, उस ईमेल आईडी पर उन्होंने हमें एक रिकवरी फॉर्म भेजा। अब रिकवरी फॉर्म जो होता है ना, फर्स्ट बेसिक रिकवरी फॉर्म होता है, वैसे ही होता है जैसे आप कई बार अपनी ईमेल आईडी में पासवर्ड भूल जाते हैं रिकवर करते हैं, या 2-way ऑथेंटिफिकेशन जो लगा होता है कोड,
उसको आप वेरीफाई करते हैं या आपका जो रिकवरी आईडी है, ईमेल आईडी दूसरा, उससे रिकवर करते हैं। वही बेसिक स्टेप जो होते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि भाई आप क्या क्या प्रोसेस कर चुके हैं। तो जैसे हमने वो पहला प्रोसेस किया तो हमारा कुछ रिकवर हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा ईमेल आईडी वो चेंज था, उसका टू वे ऑथेंटिफिकेशन वो ऑफ था, उसमें रिकवरी आईडी वो चेंज थी, और उसके बाद रिकवरी आईडी भी कोई और डली हुई थी। कहने का मतलब पूरी तरीके से हमारी ईमेल आईडी को हैक कर लिया गया था। ये भी जो हैकर होते हैं ना, जो एक नॉर्मल हैकर होता है वो क्या करता है कि पास की कोड जनरेट नहीं कर पाता। यूट्यूब का और गूगल का एक बहुत बढ़िया फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है कि वो एक पास की बना देता है या एक कोड जनरेट कर देता है। उस कोड को आप अपने पास सेफ रखें तो कोई भी आपका चैनल अगर हैक कर ले तो उस कोड के माध्यम से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। पर जो हैकर था, क्योंकि वो इंटरनेशनल हैकर था, तो उसने तुरंत एक डोंगल में उस नए पास की को जनरेट कर लिया और उसका टच सेंसर बेस्ड की बना लिया। अब यहाँ पर थोड़ा टिपिकल गूगल के लिए, यूट्यूब के लिए भी हो जाता है, भाई रिकवर करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर जब पहला रिकवरी फेल हुआ तो लगभग उनको लगा कि भाई ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया, सेकंड प्रोसेस के लिए उन्होंने हमें कहा कि वेट, वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब आप किसी बड़ी समस्या में होते हैं ना, तो आपका एक एक पल आपके लिए बहुत भारी होता है। 10:30 बजे जब हमने ट्वीट किया, उसके बाद हमें जब रिप्लाई आया वो लगभग 12 बजे आया, और वो 12 बजे का 1.5 घंटे का समय हमारे लिए बहुत भारी था। 12 बजे जो उनका रिप्लाई हमारे पास आया, उन्होंने हमें एक स्पेशल फॉर्म भेजा, और वो जो स्पेशल फॉर्म होता है वो गूगल रिकवरी फॉर्म होता है, ताकि सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी को रिकवर कर सकें। लगभग 3:30 बजे तक वो फॉर्म हमने फिल किया। अब आप सोचेंगे कि यार 12 बजे आपके पास मेल आया, 3:30 बजे तक क्यों फिल किया? क्योंकि आपसे वो इतनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं जितनी इन्फॉर्मेशन केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसकी वो आईडी है, या वो टीम जान सकती है जो क्लोज टीम आपकी है, बिल्कुल आपके उस पूरे प्रोजेक्ट के जो मास्टर कीज होते हैं ना, वो होते हैं, वो लोग वो जानते हैं। 3 बजे जब हमने उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दिया, तो हम इंतजार कर रहे थे कि भाई अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास एक नया ईमेल आईडी है जो उससे कहीं भी लिंक्ड नहीं है। अब हम इंतजार कर रहे थे कि अब क्या करें। हम बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे थे, यार होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे लोगों के चैनल टर्मिनेट होने के बाद या हाईजैक होने के बाद या कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद उनको रिकवर भी नहीं हुए। कई बार होगा चैनल डिलीट ही हो गया, रिकवर नहीं कर पाए, तो हमारे साथ क्या होगा हमें पता ही नहीं था, और हम केवल कर सकते थे तो वो था इंतज़ार, इंतज़ार और इंतज़ार। लगभग 7 बजे हम लोग सब अपने अपने घर गए, तो ऑफिस से निकलने के बाद ना बड़ा टेंस था कि पता नहीं यार क्या होगा, होगा भी या नहीं। जब भी मैं टेंस होता हूँ ना, मैं कभी अकेला नहीं रहता। मैंने डिसाइड किया यार जो किस्मत में लिखा है, जो लाइफ में होना है, वो होके रहेगा, चाहे आप टेंशन लो या टेंशन मत लो। मैं पहुंचा सीधा जिम, जिम में जाके मैंने भरपूर वर्कआउट किया, जबकि जो रूटीन वर्कआउट करता हूँ ना उससे ज़्यादा हैवी वर्कआउट किया, उससे ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट किया, उससे ज़्यादा कार्डियो किया। अच्छे से वर्कआउट करने के बाद ना मैं घर पहुँचा और मैंने चेक किया कि भाई यूट्यूब का, गूगल का एक मेल मेरे पास आया है, और उस मेल में लिखा है कि हमने ये देख लिया है कि भाई आपका चैनल जो है उसका रिकवरी प्रोसेस नेक्स्ट आपको करना है, अब आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने भेजे हैं जिसको आप फिलअप करके देंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आप ही इस चैनल के ऑनर हैं। अब एक एक्साइटमेंट आ गई मन में कि यार चलो नेक्स्ट स्टेप तो आए। यहाँ ना मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब इंडिया और गूगल इंडिया की पूरी टीम का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो जानते हैं क्रिएटर ने अपनी लाइफ का कितना डेडिकेटेड समय इस चैनल को क्रिएट करने में लगाया है, वो हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही मैंने मेल देखा ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया यार, कमाल हो गया यार, ये तो सब वापस आने वाला है। मुझे लगा यार टीम को पहले बताता हूँ, मैंने टीम के लोगों को कॉल किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया और बात की कि भाई ऐसे ऐसे मेल आया है और अब हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट थे ना, उन्होंने तुरंत कहा कि सर नहीं, अभी इसको मत छेड़ना, क्योंकि आपके घर पे आईपी एड्रेस दूसरा है, और जहाँ से हमने ये सारा एक प्रूफ हम सबमिट कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, वो आईपी एड्रेस अलग है। अगर हमने अलग आईपी एड्रेस से कुछ किया ना, तो फिर दोबारा सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है। हम सुबह बैठकर काम करते हैं, तारीख आ जाती है 26, और 26 तारीख को सुबह 9 बजे हम ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां जाके हम सब कुछ देखते हैं, हमारी टीम पूरा रिसर्च करती है, समझती है उसके बारे में। तो वो कहते हैं कि सर जो भी काम करेंगे इसी आईपी से करेंगे। बहुत अच्छा रहा सर, आपने एक्साइटमेंट में डायरेक्ट फॉर्म फिल नहीं कर दिया, आपने हमें कॉल किया, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, उनके एक एक सवाल का जवाब देना है। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा आपके यूट्यूब चैनल से संबंधित, क्योंकि आईडी रिकवर हो गई है, यूट्यूब से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी होगी। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, नंबर 1, आपका यूट्यूब चैनल आपने कब बनाया था, आपका चैनल किस पर्पज़ के लिए बना था, एजुकेशनल है, क्रिएटर है, या ट्रैवलिंग का है, किस चीज़ का आपका चैनल था, उसमें आपने उस समय क्या सिलेक्ट किया था। उसके बाद आपने चैनल बनाने के बाद जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपका चैनल का जो आईडी है, आप सोचते हैं ना कि भाई मान लीजिए मेरा चैनल है मेटास www.youtube
/Dr. Amit Maheshwari या मेटास क्लब या जो भी आयुष चैनल की आईडी है वो आईडी नहीं। जब आपका नया चैनल बनता है ना तो कुछ कोड की आईडी होती है, ALBWFYZN इस तरह की आईडी होती है। वो आईडी क्या थी? आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को चैनल शेयर किया होगा, अगर नहीं किया है तो वो कहीं ना कहीं आप अपनी मेल आईडी पर जरूर रखें, एक जगह सेफ रखें। तो वहां से हमने उनको चैनल आईडी बताई। चैनल आईडी के बाद वो तुरंत आपसे पूछते हैं कि भाई आपका जो चैनल आईडी है ये तो पता लग गया, आपका जो एडसेंस अकाउंट है इसकी आईडी क्या है? और बहुत सारे लोगों को आज भी अपने YouTube चैनल की एडसेंस की रेगुलर पेमेंट लेते आ रहे हैं लेकिन एडसेंस की आईडी कभी नोट ही नहीं किया है, एडसेंस की आईडी क्या है। तो हम दो चैनल भाई एडसेंस की आईडी कहां पर है, हमने ढूंढना शुरू किया, पूरा ऑफिस छान मारा, तो वहां पता लगा कि हाँ YouTube का एक लेटर आता है, पहले होता था ऐसा, अब तो शायद नहीं होता है, कि आपका जो चैनल एडसेंस अकाउंट ओपन होता है तो वो एक आईडी भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए, उसमें कोड होता है, साथ में चैनल आईडी होती है। तो वो चैनल आईडी हमारे पास थी। अब YouTube पूछता है कि लास्ट वीडियो आपने कौन सा अपलोड किया था, उस वीडियो का लिंक आप हमें दें। तो हमारे पास वो भी था, क्योंकि जैसी वीडियो आता है हम उस वीडियो को शेयर करते हैं, वहां से हमने वीडियो का लिंक दिया। और वीडियो से संबंधित बहुत सारी बातें पूछते रहते हैं वो कि आपने इसमें क्या किया। एक ओरिजिनल ऑथेंटिक क्रिएटर ही उन बातों को जान सकता है कि आपने किस वीडियो में किस टॉपिक पर बात की थी, है ना। तो कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जिनसे वो ये वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ ये सीक्रेट बात तो उस चैनल का ओनर ही जान सकता है। दोस्तों टाइम हो गया लगभग 2:35, सब कुछ हमने सबमिट किया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आपका सब कुछ सबमिट है और ये जो पास की है वो लगभग 7 दिन तक ही वैलिड रहेगी, आपने जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास भेजी है। उसके बाद में यहाँ जैसे हमने मेल किया उन्होंने कहा 2 से 4 वर्किंग डेज में आपको सारी चीज़ें रिकवर होगी, लेकिन 8:30 पर हमारा यूट्यूब चैनल हमारे पास वापस आया। यहाँ पर हमारी जान में जान वापस आई, तब हमें पता लगा कि 8 साल का समय या 1-1 मिनट का समय जो 8 साल के बराबर है उन दोनों में क्या अंतर होता है, समझ में आया, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। YouTube का चैनल बैक आ गया। जैसे ही चैनल बैक आया तो फिर वही गलती मत करना कि आप किसी दूसरी IP एड्रेस से लॉगिन कर लें। हम सुबह ऑफिस आए, अपने टाइम पर आए, 10 बजे आए, क्योंकि बातचीत हो चुकी थी, सारी टीम का कोऑर्डिनेशन हो गया। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारी टीम के सारे लोग चाहे वो अपने ऑफिस टाइम के बाद घर तो पहुँच गए थे, वो कोई रात को 2 बजे कोई मैसेज कर रहा है, कोई 3 बजे मैसेज कर रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है सर मेल तो नहीं आई, सर मेल तो नहीं आई, क्योंकि एक जगह यहाँ पर लॉगिन होना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, क्या ऐसी गलती हमने की थी जिसकी वजह से हमारा चैनल हाईजैक हो गया, एक तरह से हैक हो गया। वो गलती आपका भी मत करना लाइफ में, मैं बताने वाला हूँ अभी आपके वीडियो के एंड में। तो YouTube चैनल हमारा रिकवर हुआ। नेक्स्ट डे जब हम ऑफिस में आए तो सबसे पहले हमने YouTube चैनल को लॉगिन किया और सबकी जान में जान आई, एक तरह से छोटा सा सेलिब्रेशन हमने किया, एक दूसरे को हक किया, बातचीत की और सेलिब्रेशन किया छोटा सा। सेलिब्रेशन करने के बाद अब हमने कहा भाई आगे काम करते हैं, YouTube की एक एक करके सारी वीडियो को जो प्राइवेट थी वहाँ पर, क्योंकि हमें डाउट था कहीं डिलीट ना हो गई हो, लेकिन जो वीडियो के लिंक पे हम क्लिक कर रहे थे ना वहाँ ही लिखा आ रहा था कि वीडियो प्राइवेट हो चुकी है, तो हमने सारी वीडियो को पब्लिक किया। उसके बाद हमने चैनल आर्ट चेंज किया, चैनल के बाद चैनल का थंबनेल चेंज किया, जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वो चेंज की। अब हुआ ऐसा क्यों हमारे साथ ये समझना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको ये पता हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ तो शायद वो प्रिकॉशन वो सावधानी आप बरत सकते हैं जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा ना हो। तो सबसे पहली बात, गूगल ने हमें बताया है कि जो आपका चैनल है उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही कि आपका चैनल मल्टीपल डिवाइसेस में एक्सेस ऑलरेडी था। देखिए क्या होता है, कुछ डिवाइस नए भी होते हैं पुराने भी होते हैं, हमारे पास नए लैपटॉप भी हैं, मैक मशीन्स भी हैं, इसके अलावा कुछ पुराने लैपटॉप भी हैं, कुछ और भी 7-8 साल पुराने हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनकी विंडो होती है ना वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती किसी भी हैकर को रोकने के लिए, उसमें फायरवॉल नहीं होता एक तरह से। तो उन्होंने क्या किया था कि हमारा सबसे कमज़ोर लैपटॉप था उसमें एक्सेस लिया। देखिए यहाँ एक बात और ज़रूरी है, आपको लगेगा कोई हैकर मेरे अकाउंट को हैक कैसे कर लेगा, जैसे ही मेरी मेल आईडी डालेगा सबसे पहले मेरे पास एक OTP आएगा, जी करके साथ में 6-डिजिट OTP आएगा, तो मुझे पता लग जाएगा कोई मेरा चैनल छेड़ रहा है। फिर आपको लगेगा टू वे ऑथेंटिफिकेशन अगर तोड़ भी दिया तो उसकी जो रिकवरी आईडी है वो भी मेरे पास है। तो यहाँ जो हैकर होता है ना वो क्या करता है, वो आपके चैनल में ईमेल आईडी के थ्रू नहीं जाता, वो आपके किसी न किसी जगह पर एक लूपहोल बनाता है, एक स्पेस बनाता है और आपके वेब ब्राउजर को कैच कर लेता है, और वेब ब्राउजर के माध्यम से जो जो पासवर्ड उसमें सेव है उसमें डायरेक्ट एक्सेस करके सारी चीज़ों को चेंज कर देता है। ये तो मैं भी सोच रहा था यार ऐसे कैसे चेंज कर देगा, तो पता चला कि उसने हमारे एक लैपटॉप को एक तरह से फिशिंग किया उसमें सिमिलर। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है फिशिंग का एक तरीका, आप थोड़ा डिफरेंट हो गया है। हम सोचते हैं ना हम किसी मेल को खोलेंगे नहीं तो होगा कैसे, आप कोई वेबसाइट तो खोलते होंगे, वो क्या करते हैं वेबसाइट के ऊपर एक लेयर बना देते हैं वैसी वेबसाइट का, आपको लग रहा है मैं वेबसाइट में कोई चीज़ फीड कर रहा हूँ या सर्च कर रहा हूँ, वहाँ पर आप उनको एक्सेस दे देते हैं उनके लेयरिंग पेज पर,
तो उससे क्या होता है, वो आपके ब्राउजर में एक्सेस कर जाते हैं। तो हमारे ब्राउजर में एक्सेस कर गए, उस लैपटॉप से हमारे सारे कोड देख लिए और सब कुछ चेंज कर दिया। स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए हम क्या करें। नंबर वन, आपका जो यूट्यूब चैनल है, जो सबसे महंगी एसेट आपके पास है डिजिटली, कहते हैं डिजिटल मर्डर ना हो जाए आपके साथ कहीं। आज के समय पे किसी बड़े व्यक्ति को मारना है ना, तो उसको जान से मारने की जरूरत नहीं है, उसकी डिजिटल प्रोफाइल को ख़त्म कर दो। जो सोशल पर्सन है, सोशल मीडिया पर छाया रहता है, उसकी सोशल प्रोफाइल ख़त्म कर दो, वैसे ही मर्डर हो जाएगा उसका। तो क्या करना है कि अगर आपका कोई भी ऐसा अकाउंट है, उसकी ईमेल आईडी एक सेपरेट होनी चाहिए, और वो ईमेल आईडी कहीं और यूज़ ना हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं चीज़ों को आसान बनाने के लिए ना, जिस ईमेल आईडी से सोशल मीडिया है, उसी ईमेल आईडी से बिजनेस कर रहे हैं, उसी ईमेल आईडी से आपके बैंक अकाउंट्स हैं, उसी फ़ोन नंबर से आपके ओटीपी आते हैं। आपको यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है, और सावधानी क्या है, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल की आईडी प्लस उसका ऑथेंटिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर प्लस उसकी रिकवरी आईडी, ये बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए। दूसरा, कहीं भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आप अपनी मेन आईडी को शो नहीं करेंगे कि मेरा ये चैनल किस आईडी से लॉगिन होता है, या किस आईडी पर आप मुझे उस सेम आईडी पर मुझे आप रिप्लाई कर सकते हैं, ये दूसरी बात। दूसरी बात, आपको एक साथ सोशल और फाइनेंशियल लॉस ना हो, उसके लिए करना क्या है, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसका यूज़र आईडी, पासवर्ड, उसका ईमेल बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, उसके ओटीपी के लिए आपका मोबाइल नंबर भी डिफरेंट होना चाहिए। अब आपको लगेगा यार इतने सारे मोबाइल नंबर पालेंगे कैसे, दोस्तों पालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, कहीं भी आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी समय लूट सकता है, आपके ऊपर डाका डाल सकता है, ये करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप अपने किसी भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कहीं भी जहाँ एक्सेस है, जब आप उसको यूज़ करें तो उसमें अदर एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। एक काम के लिए एक मशीन को ऐसे छोड़ दें, जैसे बैंक्स में आप देखते हैं लॉकर के लिए दो चाबी होती हैं, एक चाबी आपके पास, एक बैंक के पास, जब दोनों चाबी मिलती हैं तो लॉकर खुलता है, ठीक उस तरह से उसमें आपने जो ऑथेंटिफिकेशन की बनाई है, वैसे अगर आपको की की ज़रूरत ना भी लगे तो आप क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिफिकेशन कोड बना सकते हैं, जिसको अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे अलग से। तो उसके ज़रिए आप जब भी कोई काम करें, कोई वीडियो अपलोड करें, कोई कंटेंट अपलोड करें, तो एक ही मशीन से उसको एक्सेस करें, उसी मशीन से उसमें अपलोड करें, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम ना करें, एक मशीन को सेपरेट छोड़ दें। तो ये बहुत बड़े स्टेप्स हैं जो एक व्यक्ति को अपनाने चाहिए। साथ ही साथ आप अपने सर्कल में ना ऐसे लोग ज़रूर लेकर आएँ जो डेडिकेटेड टीम, जैसे मेरी टीम में लोग हैं, मेरी टीम का हर व्यक्ति इतना डेडिकेटेड है कि रात के 3 बजे भी ना वो मुझसे बात कर रहे थे कि सर अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्या करना है, क्या मेल आया, क्या सर कोई इन्फॉर्मेशन आई क्या सर, वो लगातार मेरे टच में थे। दूसरा, वो टीम के लोग इतने सक्षम होने चाहिए जो आपसे ज़्यादा पावर रखते हों, और उनके जो आपसे ज़्यादा पावरफुल होगा उसके लिंक भी आपसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो उनके पास भी बड़े लिंक थे, एथिकल हैकर्स के लिंक थे, साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट के कुछ हैकर जो होते हैं, जिसको एथिकल हैकर बोलते हैं, वो उनकी टीम में थे। तो कुल मिला के आपके पास पावरफुल टीम होगी तो आप चीज़ों को जल्दी रिकवर कर पाएंगे। ये बात आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बशर्ते इन स्टेप्स को आप फॉलो करें। ये जो सावधानी के पॉइंट बताए हैं ना मैंने, कम से कम इतने स्टेप्स तो ज़रूर आप फॉलो करें। दूसरा, लेटेस्ट गैजेट का इस्तेमाल करें। जितना आपका विंडो, जितना आपका गैजेट आउटडेटेड होता जाएगा, उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा उसको एक्सेस करना, उसके अंदर घुसना, उसको उसके सिक्योरिटी को ब्रेक करना। आपके लैपटॉप्स में, आपके गैजेट्स में एंटीवायरस जरूर होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, और अनवांटेड एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐप आई डाउनलोड कर ली, गेम आई डाउनलोड कर ली, उसी में आपका मेन एक्सेस है। आजकल जो प्रोफेशनल हैकर्स हैं ना, वो कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करते। आप जो कॉमनली एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं ना, उन्हीं में मालवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं, और जैसे आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस देते हैं, वो एक्सेस सारे डिवाइस का आपका आपके हाथ से चला जाता है। कहने का मतलब, आपने देखा किसी को चाबी दिखाई भी नहीं, लेकिन उसने चाबी से चाबी कॉपी की और आपकी बाइक को लेकर फुर हो गया। तो ये सावधानी आप ज़रूर बरतें। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, दोस्तों इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके YouTube पर कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपसे लोग जुड़े हुए हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है आप उसको सेफ एंड सिक्योर कैसे बनाते हैं, क्योंकि जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत चीज़ें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। और आपके चैनल के जरिए अगर कोई गलत मैसेज जाता है तो कई बार लोग उसके झांसे में भी फंस जाते हैं। हमने लगभग कई ऐसे वीडियोस बनाए और रिक्वेस्ट किया कि मुझे, मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई कोई आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, मेरे चैनल पर कोई भी एक्टिविटी दिखाए वो सस्पिशियस एक्टिविटी है। जब हम आपको बताएंगे कि अब आप हमारे चैनल पर कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, तभी आप उसको लॉगिन करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, जो फेसबुक फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके लगातार हमें मैसेज आए, उनके DM आए, उनके कॉमेंट्स हमारे पास आए, और यहाँ हमें ये भी पता लग गया कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं।
फ्रेंड्स, आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो कैसे बच सकते हैं और ऐसा ना हो उसके लिए क्या सावधानी बरत सकते हैं, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, अपने नोट्स बनाएं और आज ही डिसीजन लें कि मुझे सब कुछ ठीक करना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरी समस्त टीम की तरफ से आप सभी का हृदय की गहराइयों से हम लोग धन्यवाद भी करते हैं और हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत भी करते हैं कि आप हमारे चैनल को देखें और आगे नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ें, इसी तरह आप प्यार देते रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।